हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोला। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्रैक करना है टीसीएस के इंटरव्यू को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे टीसीएस के इंटरव्यू को क्लियर किया था, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू के टाइम में पूछा गया था, टेक्निकल राउंड में, एमआर राउंड में, एचआर राउंड में, सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा और आपको कैसे आपको उसको प्रिपरेशन करना है ये भी बताऊँगा। जितना भी क्वेश्चन है सबको हम लोग देखेंगे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू से पहले आपने इस वीडियो को देख लिया और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप उसको एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आपका 100% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना ऑनलाइन असेसमेंट दिया था। ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर होने के बाद मेरे को लगभग 20 या 25 दिन के बाद मेरे पास मेल आया था टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, तो टेक्निकल राउंड में मेरे से सबसे पहले पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन उसके बाद मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव डन, कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए होगे आप उसको वहाँ पर मैंसन करना है। उसके बाद पूछे हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने मेम्बर थे, जितने भी मेम्बर हो 2 या 4 मेम्बर आप उसको वहाँ पर बता देना कि हम लोग 4 मेम्बर थे या 2 मेम्बर थे। जितने भी मेम्बर थे आप वहाँ पर बता देना कि आप इतने मेम्बर भी प्रोजेक्ट बनाए हो। ज़्यादा ट्राई करना कि आप सिंगल प्रोजेक्ट को वहाँ पे शो नहीं करने का, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप ग्रुप में कोई काम किए हो, क्योंकि जब भी आप कंपनी में जाते हो तो आपको कोई भी काम मिलता है वो ग्रुप में मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करना कि आपने जो ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाया उसी को वहाँ पे बताने का। एंड देन उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट में, तो आप बता देना जो भी पार्ट पर आपने काम किया था उस पर आपने बता देना कि मैं फ्रंट एंड पर काम किया या बैक एंड पर काम किया या जो भी काम किया आप वहाँ पर उनको मैंसन कर देना। देन आपसे पूछेंगे कि आप किस लैंग्वेज में मोस्ट कम्फर्टेबल हो, कौन सा लैंग्वेज आपको सबसे अच्छे से आता है। तो आपका जो भी सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो या पाइथन हो, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छे हो आप वहाँ पे बता देना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने बोला था सी प्लस प्लस, तो मेरे से अधिकतर क्वेश्चन उन्होंने सी प्लस प्लस से ही पूछा था। तो सबसे पहले मेरे से पूछा था उन्होंने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि उसका कॉन्सेप्ट आप बताइए, तो मैंने बता दिया था अच्छे से उसको। एंड देन उसके बाद उन्होंने डीबीएमएस से पूछा, तो डीबीएमएस से उन्होंने बेसिकली कमांड पूछा था, डीडीएल कमांड क्या होता है, डीएमएल कमांड क्या होता है, ये 2-3 कुछ कमांड मेरे से पूछा गया था। एंड देन उसके बाद मेरे से डिफरेंस पूछा उन्होंने कि ट्रंकेट ड्रॉप और ड्रिल्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, सारे इंटरव्यूअर इससे ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। ये क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जो भी आप इंटरव्यू देना चाहो, चाहे आप जावा में हो या सी प्लस प्लस हो या पाइथन में हो, आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछा ही जाएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि टेक्निकल राउंड में मेरे से पूछा गया था। लगभग मुझे 90% इसमें से क्वेश्चन का आंसर उनको बता दिया था। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन थे जिसको मैंने अच्छे से आंसर नहीं बताया था। तो उसके जस्ट 20 या 25 सेकेंड बाद मेरा एमआर राउंड स्टार्ट हुआ। तो एमआर राउंड में भी मेरे से सबसे पहले पूछा गया था कि क्विक इंट्रोडक्शन बताओ, तो आपको अपना 5 या 10 सेकेंड में, इस राउंड में आपको 10 या 15 सेकेंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी टेक्निकल राउंड में अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो इसलिए आप जितना जल्द ट्राई करना जल्दी से इसमें अपना इंट्रोडक्शन देने का। देन उसके बाद मेरे से पूछा गया कि व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग योर बीटेक, तो जो भी मैंने पढ़ा था अपने बीटेक कोर्स में, हालांकि मैंने सी, सी प्लस प्लस, जावा और एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये सब पढ़ रखा था, तो मैंने उनको बताया कि ये टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ा है। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू मेरे से पूछा गया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से उनको बताया था। देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा मेरे से कि व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन, तो वर्चुअल फंक्शन से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन भी पूछा मेरे से, दोनों क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। एंड देन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया कि ओवरलोडिंग क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। देन नेक्स्ट मेरे से पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका पूरे प्रोसेस को आप बताइए, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे मेरे फ्रेंड का हो गया था इंटरव्यू, तो मैंने उनसे पूछा था, तो कुछ लोगों ने बताया था कि एसडीएलसी और एजाइल मेथोडोलॉजी पढ़ के जाना, इसलिए मैंने इस दोनों क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से किया था। हालांकि मैं एसडीएलसी का अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी में अच्छे से पढ़ के गया था तो एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह मेरा एमआर राउंड कंप्लीट हुआ। ये लगभग मेरा चला था 20 से 25 मिनट का चला था और टेक्निकल राउंड चला था मेरा 25 मिनट का। वैसे तो जनरली टीसीएस के इंटरव्यू में तीनों राउंड एक साथ होता है, टेक्निकल राउंड, मैनेजर राउंड और एचआर राउंड, तीनों एक साथ होता है। लेकिन मेरे केस में क्या था कि बस टेक्निकल राउंड और एमआर राउंड दोनों एक साथ हुआ, लेकिन एचआर राउंड नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड से पूछा, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि उनका तीनों राउंड एक साथ हुआ और कुछ ने बोला कि उनका दो ही राउंड हुआ है,
और एच आर राउंड उनका भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं बाद में एच आर राउंड हो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मेरा एच आर के लिए कॉल आएगा। तो देन एच आर के लिए मेरा कॉल आया लगभग 10 से 15 दिन बाद आया। तो एच आर राउंड में मेरे से सबसे पहले पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये तो जितने भी आप इंटरव्यू दोगे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे यही पूछा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। देन उसके बाद एच आर ने मेरे से पूछा कि आपका कोई बैकलॉग्स है, एक्टिव बैकलॉग्स है, तो अगर आपका बैकलॉग है तो आप बता देना, नहीं है तो नो बोल देना। एंड देन उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी एकेडमिक ईयर गैप, अगर आपका कोई एजुकेशनल गैप है तो वहाँ मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो नहीं बोलना। देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव हर्ड अबाउट द टीसीएस, आपने सबसे पहले टीसीएस के बारे में कब सुना था, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको बता देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, टीसीएस के बारे में आप क्या जानते हो। तो आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाना सबसे पहले उसके बारे में पूरा पढ़ लेना कि उसका एमडी सीईओ कौन है, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एंड देन नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि हाउ यू विल हेल्प टीसीएस टू ग्रो, आप कैसे टीसीएस में हेल्प कर सकते हो। आप मान लो कि अगर आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीसीएस को कैसे बेनिफिट पहुँचाओगे। इस क्वेश्चन का आप प्रिपेयर करके जाना, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो आपका जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो आप वहाँ पे बता देना। एंड देन उन्होंने पूछा कि वेयर यू विल सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपने जो भी सोच रखा है आप अपने अकॉर्डिंग बता देना। एंड देन सबसे लास्ट उन्होंने पूछा कि डू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप अच्छा से एक या दो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, उस क्वेश्चन को आप उनसे पूछना। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे से पूछा गया था मेरे इंटरव्यू के टाइम में, जो कि मैंने दिया था पिछले साल और मैं सेलेक्ट हुआ था फाइनली टीसीएस में। एंड देन उसके 20 दिन बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था टीसीएस की तरफ से कि फाइनली यू हैव सेलेक्टेड इन टीसीएस। तो गाइज ये था मेरा टीसीएस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि टीसीएस के इंटरव्यू के टाइम में मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग टोटल मिला ले तो मेरे से 1 घंटा का मेरा इंटरव्यू टोटल हुआ था। तो गाइज जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, अगर आपका इंटरव्यू हो तो उससे पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के जाना। इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर बहुत कम ही चांस है कि आपसे क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना, आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का जॉब से रिलेटेड, कंपनी के प्लेसमेंट से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।